नमस्कार, शिराज बहुत बहुत स्वागत है इस खास सेल्फी सेगमेंट में। इधर कुछ दिनों से हम लगातार आपको कुछ ना कुछ वीडियोस छोटे छोटे देते रहते हैं किसी खास विषय को लेकर। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं उसमें हम आपको एक दूरवा, एक दूब घास, पार्क वाली ग्रीन ग्रास का एक प्रयोग बताएंगे। अक्सर हम कोई काम जब शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं श्री गणेश करना, अर्थात किसी कार्य का शुभारंभ इज इक्वल टू गणेश जी का स्मरण। हम गणेश जी को शुभ के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इनका प्रतीकात्मक चिन्ह स्वास्तिक इसी रूप में जाना जाता है। भगवान श्री गणेश के विषय में एक दृष्टांत आता है, एक कथा आती है कि एक बार कुछ खाने से इनके उदर में बहुत ज्यादा जलन होने लग गया था, इनका पेट जलन शील हो गया था। तो इन्हें पूछने पर इनको बताया गया कि ये अगर दूर्वा का सेवन करें तो इनके उदर की ज्वाला शांत हो जाएगी। तभी से भगवान श्री गणेश को बेहद प्रिय माना जाता है, दूर्वा चढ़ाया जाता है। सामान्य रूप से अगर हम ग्रहीय तर्कों में आते हैं तो दूर्वा में राहु का वास माना गया है। राहु प्रत्येक कार्य को अवरोधित करने का कारक ग्रह होता है। उस अवरोध को खा करके भगवान श्री गणेश आपके कार्य की निर्विघ्नता की कामना के स्वरूप में जाने जाते हैं। ये इसका सटीक तर्क जानिएगा। तो आज दूर्वा का प्रयोग क्या करना है वो हम आपको अब बताते हैं। पार्क से एक छोटी सी घास, घास का एक टुकड़ा आप ले लीजिएगा। उस घास के टुकड़े को आप एक बार हल्दी में लपेट दीजिएगा, गीला कर लीजिएगा। गीला करने के बाद 7 बार अपने दांतों से काट कर थूक दीजिएगा। 7 बार टक से काटा, फिर थूका, फिर काटा, फिर थूका, और उसके बाद अपने कार्य को आप आरंभ करिएगा। रोज की कहानी ये नहीं है, ये स्पेशल कार्यों से पहले करना है। मान लीजिए आप तारीख पर जा रहे हैं, बच्चा आपका एग्जाम देने जा रहा है, हमने सक्सेस की नहीं डाला है, लेट हो गया, आप सक्सेस की नहीं कर पाए, तो इसको आप अचानक से कर सकते हैं। मकान के लिए आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। 7 बार उस दूर्वा को, जिसे आपने हल्दी जिस पे लपेटा है, 7 बार दांत से काट के थूकना है और फिर अपने काम पे निकल जाना है। करके देखिएगा, बहुतों का काम बन जाएगा, आप सबके जीवन में शुभता का आगाज होगा, हर प्रकार से आप अपने आप को शुभ पाएंगे और इस वीडियो का लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे। हम कुछ नहीं है, हम तो शोध करते रहते हैं आप सबके निमित्त। आज भी ऐसे ही शोध करके हम आपके निमित्त ये वीडियो लेकर आए। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जैसे ही इस वीडियो को आप देखें, हो सकता है अभी 1 घंटे के बाद आप कुछ स्पेशल ऐसा ही करने जा रहे हैं, हो सकता है, और आप अचानक से ये वीडियो पा गए अपने भाग्य के आधार पर और अब आपका वो काम बन जाएगा। फिलहाल आचार्य संतोषी को अर्थात हमें अनुमति दीजिएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज का आनंद लेते रहिए। नमस्कार।